तो ये हमारे को पता लगाना है किसी भी इंसान से बात करके कि भैया वो चाहता क्या है, वो चाहता क्या है, आपको फायदा होगा। तो हमने आपको पहली चीज रेसिप्रोक्रिसिटी समझाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाव होता है। आप एक बार के लिए जेन्युइनली मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, पॉजिटिवली मैनिपुलेशन करना चाहते हैं किसी का, उस इंसान के कोई काम को पूरा कर दो, वो कुछ चाहता है उसको पूरा कर दो, उस पर कुछ एहसान करो, एहसान करो, ध्यान से सुनिएगा, क्लियरली बोल रहा हूं, उस पर एहसान करो बिना किसी स्वार्थ के, कुछ मत मांगो उससे, उस पर एहसान करो, उस पर साइकोलॉजिकली ये भार होएगा कि वो एहसान फरामोश नहीं निकलेगा, एहसान फरामोश नहीं निकलेगा, वो एहसान मंद होगा और आपका एहसान लौटाएगा। जब वो एहसान लौटाने की कोशिश करेगा, आप उस वक्त उसको पॉजिटिवली पॉजिटिवली आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। जैसे हम कोचिंग की बात लेते हैं, हम हमेशा से कहते हैं लोगों से, लगातार कहते रहते हैं कि भैया बात ये नहीं है कि आपने हमारे को कितना पैसा दिया है, बात यह है कि हम 10 गुना देंगे आपको जो आप हमारे को दे रहे हैं। 10 गुने का मतलब क्या होता है दोस्त? बात यह है कि हम आपके लिए खड़े हुए हैं, हम आपकी मदद के लिए खड़े हुए हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? आपका ट्रस्ट हम पे डेवलप होता है, हम फिर कोई भी बात बोलेंगे जो एक्सपीरियंशियल नॉलेज है। आप जिंदगी में कब लगाओगे दोस्त? जब आपको हम पे बिलीव होगा, ट्रस्ट होगा, आप पूरा का पूरा भरोसा करोगे कि यार ये जो लड़का है ना, ये ऐसा नहीं है कि इसको मैंने अपने सीक्रेट बता दिए तो ये ब्लैकमेल करेगा मेरे को। अरे कोचेज ऐसे नहीं करेंगे दोस्त, इंटरनेशनली सर्टिफाइड कोचेज हूं, हमारे को सिखाया जाता है कि कोई भी आप हमारे को बात बताएंगे उसको कॉन्फिडेंशियल रखते हैं हम लोग, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाते हैं दोस्त, कैसे इसकी जिंदगी से ये प्रॉब्लम निकालनी है, जो आप देते हो उससे आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपको मदद करने की कोशिश करते हैं। इसका मेन एम क्या है? क्योंकि पॉजिटिवली आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं, पॉजिटिवली कि आपकी जिंदगी में बदलाव आ जाए दोस्त, यही तो इंटेंशन है। प्योर इंटेंशन रख के अगर आप किसी इंसान को मैनिपुलेट भी करते हो तो वो गलत नहीं होता दोस्त। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, कंसिस्टेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं दोस्त। अगर आपको सही मायने में किसी इंसान को मैनिपुलेट करना है तो बी कंसिस्टेंट, बी कमिटेड ऑफ व्हाट यू से। लोगों को आप पे ट्रस्ट नहीं होगा, आप उनको मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे। सबसे पहले ट्रस्ट करवाना बहुत जरूरी है। ट्रस्ट बिल्ड किससे होता है? जो इंसान वादा खिलाफी करते हैं, वादा देके तोड़ देते हैं, जो इंसान कोई भी काम करते हैं, कभी प्यार दिखाते हैं फिर नफरत दिखा देते हैं, प्यार दिखाते हैं नफरत दिखा देते हैं, आप मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे, आप इन्फ्लुएंस नहीं कर पाओगे दोस्त। थोड़ा थोड़ा सोचिए, थोड़ा अपनी जिंदगी के अंदर सोचिए कि क्या आप रियलिटी में अपने कमिटमेंट्स पे रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं। दूसरा पॉइंट बताया दोस्तों, तीसरा पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, सोशल प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को ये बताना, क्योंकि भारत के अंदर तो ये बेहद है कि भारत के अंदर लोगों को जानना होता है कि भैया जो तुम बोल रहे हो इसकी सच्चाई क्या है, हैं कहां से पढ़े हुए हो तुम, ये जो बातें बता रहे हो इसके पीछे कितना ज्यादा डेप्थ है तुम्हारे अंदर। इसीलिए हम लोगों को ये सब बताना पड़ता है कि भाई कह ही नहीं रहे कि 2000 किताबें पढ़ी है, 500 किताबों की तो बुक समरी भी आप लोगों ने सुन रखी होगी। कई लोग हैं जो अभी मुझे सुन रहे हैं, कितने सारे लोग हैं यहाँ पर जो मुझे सुन रहे हैं, वो उन्होंने मेरी बुक समरी सुनी है, साल साल भर, दो दो साल तक सुनी है। एक लड़के ने किताबों की पढ़ी, उस किताबों को समराइज किया, उसको हिंदी रूपांतरित किया और आप लोगों तक पहुंचाया, कई लोगों ने सुना। तो ये एक सोशल प्रूफ है, जितने भी लोग हैं जो हमारे को जानते हैं, कोई भी इंसान मेरे संग में आया हो आप उनसे बात करिएगा। मैंने हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया दोस्तों, मेरी वर्कशॉप चलती है पूरे साल, मेरी वर्कशॉप चलती रहती है। मैं इंडिया के अंदर स्पीड रीडर के तौर पे जाना जाता हूँ, मैं NLP एक्सपर्ट के तौर पे जाना जाता हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टीचर के तौर पे जाना जाता हूँ, मैं तमाम कोर्सेज लेके आता हूँ। इमोशनल इंटेलिजेंस का इतना जबरदस्त हमारा कोर्स है, हमारा कोर्स चलता है लाइफ पर्पस पे, पेरेंटिंग पे हम ये कोर्स लेके आए, अभी ध्यान भक्ति सूत्र पे लेके आए थे, अभी हमने मेमोरी मास्टरी पे प्रोग्राम किया, माइंड मैपिंग पे प्रोग्राम किया, सारे प्रोग्राम रिकॉर्डेड है दोस्तों, ये सारे के सारे हमारे डिजिटल लाइब्रेरी में अवेलेबल है। 9024023331 पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं इन सारी जानकारी को और ये ले सकते हैं। पर सोशल प्रूफ देते हैं ना, कोई भी इंसान जो हमारे साथ जुड़ा, पूछ लीजिएगा किसी से भी, उन्होंने इतना सा पैसा दिया, 10 गुना उनको रिटर्न मिला दोस्तों, 10 गुना रिटर्न मिला, और ये सोशल प्रूफ है, सोशल प्रूफ है, सामने है, किसी से भी आप पूछ सकते हैं। हमारे टेस्टिमनीज पढ़िए, जो भी हमारे साथ जुड़े उन लोगों के वीडियो टेस्टिमनीज आपको मिलेंगे, हम उन लोगों के नंबर तक आपको दे देंगे, आप उनसे बात करिएगा, वो आपको बताएंगे, दिस इज सोशल प्रूफ। तो अब क्या है, पॉजिटिव मैनिपुलेशन कैसे किया जाता है? पॉजिटिव मैनिपुलेशन आदि है, मैं तो साफ कहता हूं कि आप मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको पॉजिटिवली मैनिपुलेट कर दूंगा, यानी आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाऊंगा आप ही के दिमाग को घुमा के। कैसे कर पाऊंगा ये?
क्योंकि आप एक इंसान पे बिलीव करोगे कि यार लाखों लोगों की जिंदगियों में जो इंसान बदलाव लेके आया है, सोशल प्रूफ है, मेरे पास प्रूफ है, प्रूफ के साथ कह रहा हूं, ऐसे ही नहीं हवादार बोल रहा हूं 15 देशों में काम कर आया, अरे प्रूफ है भाई, फोटोग्राफ ले लीजिएगा, इंडोनेशिया, मलेशिया, कनाडा, सारी फोटोग्राफ लीजिएगा, नेपाल, कितना काम किया है हमने इन देशों के अंदर, फोटोग्राफ लीजिए, सोशल प्रूफ है। सोशल प्रूफिंग से क्या होगा, आपका मेरे पर ट्रस्ट बिल्डअप होता है, ट्रस्ट बिल्डअप होता है तब एक इंसान की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। मैं तो अपनी बात बता सकता हूं दोस्तों, अपनी बात बता सकता हूं, थिंक अबाउट इट। तो क्या आप इस तरीके से अपनी जिंदगी को भी थोड़ा सोशल प्रूफिंग से किसी को मैनिपुलेट कर सकते हो पॉजिटिवली? बार बार कह रहा हूं, डार्क साइकोलॉजी नहीं सिखाऊंगा, कभी भी नहीं सिखाऊंगा, खुद भी ऐसा नहीं हूं, किसी को वो सिखाऊंगा नहीं और किसी को करने भी नहीं दूंगा, पता चलेगा भैया तो गलत लगेगा हमारे को, बिल्कुल भी नहीं करना है इस तरीके की चीजें, इससे थोड़ा थोड़ा दूर रहना है हमारे को ये नेगेटिविटी। दूसरी चीज, एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगा, किस तरीके से पॉजिटिवली किसी को मैनिपुलेट करिए। आप अपने आप को थोड़ा स्कैरसिटी में रख लीजिए, उस इंसान के साथ ज्यादा अवेलेबल मत रहिए। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रिलेशनशिप पे लेक्चर्स लेता हूं, कई बार मेरे से लड़कियां आके पूछती हैं कि सर जो ये जो लड़का है ये हम पे जान कैसे छिड़के। हाँ, ऐसे भी सवाल आते हैं, लाइफ कोचेज हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, लड़के आके हमसे पूछते हैं कि सर किसी लड़की को कैसे रिझाना है, सर सही मायने में बताइए ना, कि आप ऐसे बताइए ना कि उस लड़की के मन में हमारे प्रति और प्यार उमड़ जाए। तो मैं क्या कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम तो भैया हम क्या कहते हैं, हम तो इन किताबों से ही पढ़ते हैं, तो किताबों में ये लिखा हुआ है कि स्केयरसिटी में चले जाओ। एक बार जो आप हैं और आपका जो पार्टनर है, आप अपने पार्टनर से थोड़ा सा अलग हो जाओ, थोड़ा सा गायब हो जाओ, थोड़ा सा अवेलेबल मत रहो, थोड़ा सा स्केयरसिटी में आओ थोड़ा सा। आप बहुत ज्यादा एक्सपोज रहोगे, अरे दोनों के दोनों जो एक्सपोजर होगा तो दोनों में प्यार कमी होगा। एक बार के लिए अवेलेबल मत रहो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना प्यार कम कर दो अपने पार्टनर के लिए, पर थोड़ा स्केयरसिटी में आओ। जिस चीज की अवेलेबिलिटी नहीं होती ना, दूसरे इंसान के अंदर ज्यादा होड़क लगती है उस इंसान के बारे में। ये जो दिन भर मैसेजेस करते रहते हैं, मैं कहता हूं थोड़ा कम करो भाई, थोड़ा कम करो, दिन भर मैसेजेस नहीं, कभी कभार थोड़ा बहुत काम करता है। स्केयरसिटी, आप जब बहुत ज्यादा ज्ञान देने लग जाओगे अपने उन 15-16 लोगों को जो आपके आसपास हैं, आपकी औकात कम होती चली जाएगी, आपकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। कभी कभार ज्ञान दो और गायब हो जाओ, अवेलेबल मत रहो, बहुत ज्यादा अवेलेबल मत रहो। ओवर अवेलेबिलिटी भी कई बार आपका जो इन्फ्लुएंस है वो किसी इंसान पे कम कर देती है। ओवर अवेलेबिलिटी हो गई तो क्या होगा दोस्त, आपका जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाएगा, इसकी वजह से आप मैनिपुलेट करना भी चाहोगे किसी को तो आप मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे, आप कितना भी बोल लोगे आप पॉजिटिवली मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे दोस्तों।